है गैस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। और बढ़िया गैस, मैं दुकान आ चुका हूँ। आके बस 2 मिनट हुआ ही है और बाहर में मौसम ऐसा करके रखा हुआ है गैस, कल से बारिश बारिश बारिश। सोचा था आज कपड़ा धुलाऊंगा बोल के, सो नहीं धुला पाया क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि कपड़ा धुलाऊँ तो सूखेगा कैसे। सो मैं सोच रहा हूँ अभी कि लॉन्ड्री में दे दिया जाए कपड़ा धुलाने के लिए, धुला के आ जाएगा 2-3 दिन में, वो जैसा करके भी धुला के सुखा के ला देगा घर पे। सोच रहा हूँ, बट बारिश आप लोगों को कैसे देखना है, बारिश कैसा बारिश दे रहा है बाहर में। तो चलिए मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, पहले मैं दुकान वगैरह खोल लूँ क्योंकि दुकान खोला नहीं है अभी तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी मैं खोलता हूँ सीसीटीवी, इसे भी करता हूँ गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सीसीटीवी। और गाइस ये देखिए, दुकान खोला नहीं है अभी तक। सो आज का ब्लॉग यहीं से शुरुआत करता हूँ, आज का दिन का शुरुआत, ब्लॉग का शुरुआत। सो आया जस्ट, अभी बज चुका है 11:30। आने का साथ साथ सोचा कि आप लोग से बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर समय तो बात नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत टाइम निकल के बात करना पड़ेगा। ऐसे आज संडे है और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 11:30 बज चुका है, आने में दुकान लेट हुआ और बहुत सारा फोन भी आया था घर में, दुकान कब आओगे बोल के कस्टमर लोग का। तो सर दुकान आ चुका हूँ और आज संडे है, ऐसे इतने ज़्यादा कस्टमर भी नहीं होंगे, पर फोन में बहुत ही ज़्यादा कस्टमर है जैसा लग रहा था मुझे, पर कस्टमर है ही नहीं। और आगे के बहुत भी सारा बात करना है आप लोगों से। फिलहाल मैं दुकान पहुंचा और थोड़ा बहुत काम है। अभी मौसम हो रहा है धूप देने का जैसा, बट धूप देने से बहुत ही अच्छा है हम लोग के लिए भी, और कस्टमर थोड़ा बहुत होंगे और मेरा भी काम होगा क्योंकि बहुत ही सारा कपड़ा धुलाना है। पहन पहन के सब कपड़ा गंदा करके रखा हुआ है, जैकेट भी नहीं है, जो ये जैकेट और एक जैकेट है दोनों ही फट चुका है मेरा जैकेट। बट नया जैकेट लेने के लिए मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है बचा के रखा हुआ वो कुछ काम के लिए। थोड़ा धूप दे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से जल्दी धूप देगा। इस करके खाना खाने जाता हूँ और आर्यन का बर्थडे है आप लोग को पता ही है, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल खाना बना होगा, खा के आता हूँ। दुकान अकेला है इसलिए अभी बंद करना ही पड़ेगा, और ऊपर से संडे भी है, संडे को बंद ही होता है हमेशा, हर संडे बंद होता है, तो इसलिए आज का संडे क्यों खुला रखेगा, रिकॉर्ड क्यों तोड़ना संडे संडे का रिकॉर्ड, तो फिर इसलिए आज भी बंद कर देते हैं। चलिए घर चलते हैं और खाना वगैरह पेट पूजा वगैरह करते हैं। दुकान बंद करके मैं घर जाने के लिए निकल चुका, मैं घर जाऊंगा खाना खाऊंगा और बिंदास थोड़ा देर रेस्ट करूंगा, उसके बाद ही दुकान आऊंगा। और गाइस देखिए यहाँ पे इतना सारा गाड़ी है धर्मपुर में, आदमी से ज़्यादा गाड़ी होता है यहाँ पे, हर एक आदमी का घर में एक गाड़ी होगा। सो मैं घर पहुँचने वाला हूँ। गुड इवनिंग, शाम हो चुका है अभी और हम लोग का जितना भी काम था करके ख़त्म हो चुका है। सामान वगैरह आया था, तो जितना सामान आया था सब कुछ मिला के सजा दिया गया है रेक पे, और इस रूम में बहुत कुछ सजाना बाकी है, ऐसे फैला के रखा हुआ है। सो यहाँ का भी काम पूरा मिलाना पड़ेगा, और जहाँ पे मैं मोबाइल के वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे भी ऐसे पड़ा हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, पूरा पड़ा हुआ है ऐसे देखिए। सो मैं यहीं पे वीडियो बनाता हूँ इसी जगह पे, तो यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है सब सामान वगैरह, इसको भी मिलाना पड़ेगा आज, टाइम मिलने से इसको भी वो कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मुश्किल लगता है, तो फिर मोबाइल देख के बैठते रहते हम लोग, आप मोबाइल में फेसबुक वगैरह देख के, यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख के, तो अभी टाइम मिलेगा तो ये कर लूँगा मैं, इसको पूरा सजा के रखूँगा, बट अभी टाइम नहीं मिला है। तो जितना काम था काम वाम करके मैं घर गया था, घर से आके सीधा दुकान आ गया फ्रेश वगैरह होके, और आप लोगों से भी बात करना ही पड़ेगा, निकलने से नहीं होगा। और कल का वीडियो में मैंने गुड इवनिंग बोलना भूल गया था, तो वो भी आज रिकवर कर दूँ बोल के, क्योंकि कल काम करते करते भूल गया मैं वीडियो बनाना शाम में, तो जो कि शाम में ही मैं रात भी वीडियो बनाया, जो कि रात बोले तो 7:30 बजे के बाद ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया होगा शायद, मे भी हो सकता है ऐसा कुछ, बट मुझे याद नहीं है। तो इसके लिए अभी सोचा कि चलो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं हूँ, और आप लोग से बात करना तो डेली का ही है ही रूटीन। तो बाद में थोड़ा देर आप लोग को व्यू दिखाता हूँ किस टाइप का है नज़ारा शाम का। ये है मेरा होम टाउन गाइस, मेरा दुकान का आगे किसने गाड़ी लगा दिया है पता नहीं किसने, पर यहाँ पे देखिए ऑटो वाला लोग सब लोग आग सेक रहे हैं ठंडा के कारण, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और जरमपुर का रोड पूरा खाली है, ये नेशनल हाईवे गाइस, और जरमपुर खुला होने से ना पूरा खुला होने से और बहुत ही ज़्यादा उजाला होता है, पर आज बहुत सारा दुकान बंद होने का कारण उजाला कम है। का अंदर का जितना भी काम था मिला के सब कुछ कंप्लीट कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत बाकी है वो थोड़ा बहुत मिलाना है, मिला लूंगा वो कल आके, आज टाइम मिलेगा तो दिन में, पर अभी जितना हो सके मिला लिया, ऑलमोस्ट खत्म ही है गाइस। सो फिलहाल आज का भी वही है, काम वगैरह खत्म, दिन भी खत्म, मैं चलता हूँ घर, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइस सभी को।